नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुराग की वाणी में, जहां हम आपको सुनाते हैं दिल दहला देने वाली डरावनी कहानियां। यहां आपको मिलेंगी वे कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी और आपको नींद नहीं आने देंगी। हर कहानी के पीछे छुपा है एक रहस्य जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो बंद कर लीजिए अपने कमरे की लाइट्स और तैयार हो जाइए एक अनजानी और भयानक दुनिया में कदम रखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। सुबह पोस्टमैन एक चिट्ठी देकर गया है और देवेंद्र जी उसे लेकर देख रहे थे। उनके दिमाग में एक बात समझ नहीं आ रहा कि अचानक विजय ने उन्हें चिट्ठी क्यों लिखा। वैसे भी चिट्ठी के ऊपर विजय नाम छोड़ और कुछ भी नहीं लिखा गया है। बाध्य होकर उन्होंने चिट्ठी के लिफाफे को फाड़ा। अंदर से निकल आया 4-5 पन्ने की एक चिट्ठी। लिखावट साफ है, पर जैसे कांपते हुए हाथों से लिखा गया है। कुछ पन्नों की यह चिट्ठी। देवेंद्र जी पहले से अंत तक एक बार चिट्ठी को देखकर फिर पहले से पढ़ना शुरू किया, जिसमें लिखा था, आज मैं इस चिट्ठी को लिख रहा हूं इसके पीछे एक ही कारण है। मैं अपने जानने वालों या परिवार के सदस्यों को बताना चाहता हूं कि मेरे जीवन का अंतिम परिणाम क्या हुआ था। एक सामान्य सा इन्वेस्टिगेशन मेरे जीवन को इस तरह से समाप्त कर देगा, इसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। यह घटना हुआ है ठीक 2 दिन पहले, पर उसका प्रकोप मैं प्रतिमुहूर्त वहन कर रहा हूं, मानो वो सभी प्रतिमुहूर्त मुझे तड़पा रहे हैं। मेरे जीवन का अंत होने वाला है। आज से 2 दिन पहले यानी ठीक मंगलवार एक विशेष एवं जरूरी काम के लिए महेश जी ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया। शाम के वक्त मैं उनके ऑफिस के उद्देश्य से रवाना हुआ। दोपहर को ही निकल जाऊंगा ऐसा ही सोचा था। कहा भी था महेश जी को कि दोपहर को ही निकल जाऊंगा, लेकिन वही आलस्य। घर से निकलते निकलते शाम हो गई, इसीलिए 5:30 या 6 बजे के आसपास घर से रवाना हुआ। दोपहर को इसलिए बोला था क्योंकि वैसे भी क्रिसमस का मौसम है, उसके ऊपर से शाम को शहर के रास्ते पर और भी भीड़ हो जाता है। यह भीड़ भाड़ मुझे कुछ ज्यादा पसंद नहीं, इसीलिए कुछ पहले ही निकलने का प्लान था। जो भी हो, प्लान तो चौपट हो गया। महेश जी के ऑफिस में पहुंचते लगभग 6:30 बज गए। वहां पहुंचकर देखा तो उनके ऑफिस के दूसरे तल्ले पर लाइट जल रहा है। वैसे वो टाइम के बहुत ही पंचुअल है, एवं यही डर मेरे दिमाग में घूम रहा था। अच्छे से 2-4 बात आज वो मुझे जरूर सुनाएंगे। क्या करूं, गलती तो मेरा ही है और बात भी मुझे ही सुनना पड़ेगा। इसीलिए समय व्यर्थ न कर धीरे से उनके ऑफिस की तरफ गया और दरवाजे को खोलकर बोला, सर अंदर आऊं? कौन? ओ हां विजय, आओ आओ, लेकिन तुमको दोपहर में आना था, मैं बोला। हां सर, कुछ देर हो गई? नहीं बहुत ही, कोई जरूरी काम था? हां, एक फाइल को चेक कर रहा था। महेश जी ये सुन कुछ शांत हुए और बोले, अच्छा ठीक है, तो मैं काम के बाद पर आता हूं जिसके लिए तुम्हारे पास बुलावा भेजा है। ये लो ये फोटो। ये बोलकर उन्होंने मेरी तरफ एक फोटो बढ़ाया। फोटो को हाथ में लेकर फोटो को देखा, 20-25 साल पुराने एक घर का फोटो है। फोटो की तरफ एक तक देखते देखते मेरे पूरे शरीर में बेचैनी लगा। इस ठंडी के शाम में भी मेरे माथे के कोने पर बूंद बूंद पसीना जमा हो गया है। पूरा शरीर मानो एक अद्भुत सिहरन से भर गया। परसों को एक पार्टी में बहुत कुछ उल्टा पुल्टा खाना हो गया था, इसीलिए सोचा शायद उसी कारण से शरीर में कुछ अस्थिर महसूस हो रहा है, शायद कब्ज के कारण। इसीलिए फोटो से आंख हटाकर महेश जी के बातों पर ध्यान दिया। महेश जी बोले, मेरे पास डिपार्टमेंट से यह कल आया है, एक मर्डर केस है। यह केस मुझे ही संभालना है, पर एक मीटिंग के कारण मुझे दिल्ली जाना होगा, तो इसीलिए किसी ऐसे को खोज रहा था जो इसमें माहिर। देवेंद्र जी ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया, जानते तो हो उनको, मैं बोला। हां सर, उनको क्यों नहीं पहचानूंगा, वो मेरे रिश्तेदार हैं। हां उन्होंने ही बताया कि तुमने अभी ज्वाइन किया है, क्राइम इन्वेस्टिगेट डिपार्टमेंट में अच्छा नाम है तुम्हारा। सुना है इसी बीच तुमने कई केस को सॉल्व कर दिया है। हां किया हूं, यही कुछ 4 या 5। हां इसीलिए सोचा इस केस को तुमको ही देता हूं, तुम्हारा ज्ञान भी बढ़ेगा और मेरा काम भी हो जाएगा। कहो तो तुमको मैं कुछ पेमेंट भी देने को राजी हूं, मैं थोड़ा हंसकर बोला।
नहीं सर, वह सब बाद में। अच्छा है, तुम कल सुबह ही काम पर लग जाओ, वैसे भी बहुत लेट हो गया है। ठीक सर, वही करूंगा, कल सुबह ही मैं काम पर लग जाऊंगा। अच्छा ये लो, ये है पुलिस द्वारा सील की गई कमरे की चाबी। कोई असुविधा हुआ तो इस कार्ड को रखो, इसमें मेरा नंबर है, जरूरत हो तो कॉल करना। ठीक है सर, शुक्रवार को मिलता हूं। चाबी को पॉकेट में रखा और ऑफिस से निकल आया। ठंडी की शाम थी पर रास्ते पर लोग काफी थे, पर ऑटो ऑफ टैक्सी बहुत ज्यादा यहां नहीं मिलता, इसीलिए गाड़ी खोजने में कुछ समय लगा। अंत में एक ऑटो पकड़ घर को रवाना हुआ। कमरे में जाकर बेड पर बैठकर तुरंत ही आशीष को एक मैसेज कर दिया। मेरा किसी रूम में अकेले जाकर इन्वेस्टिगेट करना अच्छा नहीं लगता, थोड़ा बोरिंग फील होता है, इसीलिए उसको जानकारी दे दी कि वह अगर साथ जाएगा तो मुझे अच्छा लगेगा, इसी कारण तुरंत ही मैसेज भी कर दिया। देखते हैं वह क्या कहता है। धीरे धीरे डिनर खत्म कर बिस्तर पर सोने गया। नींद नहीं आ रहा था क्योंकि उस फोटो को देखने के बाद अब भी मेरा शरीर कुछ गड़बड़ सा था, सिर भी घूम रहा है। ठंडी की रात उस समय लगभग 12 बज चुके थे। कमरा इतना ही शांत है कि घड़ी की टिक टिक भी कान में बज रहे हैं। रात बढ़ते बढ़ते कब आंख बंद हो गए नहीं पता, फिर सो गया अनंत नींद में। सुबह उठकर घड़ी देखा तो 7:30 कब का क्रॉस करके 8 पर चला गया है। साधारणतः इतने देरी में मैं सोकर नहीं उठता, पर कल रात के बेचैनी वाले भाव अब भी लगातार हो रहे हैं। साथ में कुछ और भी जुड़ा है और वह है पूरा शरीर दर्द कर रहा है, जैसे किसी ने बहुत तेज लाठी से मुझे पीटा हो, या कहे पूरा दिन बहुत मेहनत करने पर जैसा दर्द होता है ठीक वैसा ही, परंतु मैं इसका कारण समझ नहीं पा रहा। पास में रखे मोबाइल में देखा, कोई मैसेज आया या नहीं। अचानक याद आया, आशीष को कल मैसेज किया था। मैसेज को जब खोला तो उसे देखकर ही दिमाग खराब, महाशय का बीमार है, वो आज नहीं जा पाएंगे, इसका मतलब मुझे अकेले ही जाना होगा। उस रॉयल फ्लैट के छठवें तल्ले के रूम पर इसीलिए देर नहीं किया, जल्दी से उठ फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट करके रास्ते पर निकल गया। सुबह सुबह रास्ते पर आज भीड़ काफी है, गाड़ी भी बहुत सारी ही है जैसा प्रतिदिन रहता है। एक टैक्सी पकड़ ड्राइवर को एड्रेस बताया, उसने सीधे ले जाकर उतारा उस रॉयल फ्लैट के नीचे। टैक्सी का किराया देकर मैंने खोजना शुरू किया कि इस फ्लैट का मालिक कहां है। एक आदमी को देखा कि फ्लैट के नीचे खड़े होकर मेरे तरफ एक आग्रह की दृष्टि से देख रहा है, मानो वो कहना चाहते हो कि हां मैं आपके लिए ही खड़ा हूं। मैं खुद ही उनके पास गया और पूछा, अच्छा इस घर के मालिक कहां है, कुछ बता सकते हैं। वो आदमी बोला, क्या आप विजय हो। हां, तो आप ही इस घर के मालिक हैं। हां मैं ही हूं, मैं आश्चर्य होकर बोला। पर आप मुझे कैसे जानते हैं, तुम्हारे बारे में महेश जी ने सब कुछ बताया है। वाह, तब तो अच्छा है, फिर चलिए समय बर्बाद ना करते हुए काम को शुरू किया जाए। मुझे दिखा दीजिए 5वें तल्ले का वो रूम। हां चलिए। यह बोलकर उन्होंने घर की सीढ़ी से ऊपर चढ़ना शुरू किया, उनको अनुसरण कर मैं भी पीछे पीछे सीढ़ी चढ़ने लगा। धीरे धीरे चौथे तल्ले को पार कर 5वें पर पहुंच रहा हूं, फिर से न जाने कैसी अस्थिरता पूरे शरीर में दौड़ गई, वह पुरानी बेचैनी और भी बढ़ गया है, पूरे शरीर में एक ठंडा सिहरन खेल रहा है। 5वें तल्ले पर पहुंचते ही मेरा ध्यान गया बाहर की तरफ, झूलते बालकनी की तरफ, बड़ा खुला सा एक जगह, उस तरफ नजर पड़ते ही शरीर कांप गया। वहां कई प्रकार के अलग अलग चिन्ह बने थे जो मेरे समझ से बाहर थे, लेकिन जो देखकर समझ रहा हूं वह रहस्य की तरफ साफ इशारा कर रहे हैं। साथ में कुछ खून की तरह लाल दाग, जिसे देखकर तुरंत जान गया कि यह खून ही है। उस बालकनी पर पहुंचते ही मेरा पूरा शरीर रहस्य व रोमांच से भर गया। पहले ही पल मुझे ऐसा लगने लगा कि कोई मुझे पीछे से फॉलो कर रहा है, मेरे आसपास मानो मेरे और घर के मालिक के अलावा और भी कोई है, उसकी अनुपस्थिति में अनुभव कर रहा हूं। ऐसा लग रहा है वो सब मुझे कुछ बताना चाहते हैं। बालकनी के पास जाकर शहर को ठीक से देखने की कोशिश कर रहा था, घूम घूम कर बालकनी के चारों तरफ देख रहा था। उसी समय फ्लैट के मालिक ने मुझे पीछे से बुलाया, आइए ये है आपका, वह 5वें तल्ले का रूम। रूम को देखकर तो लग रहा है बहुत पुराना है, फ्लैट का मालिक बोला। मेरा नाम तो आप जानते ही होंगे, महेश जी ने आपको बताया ही होगा।
नहीं, उन्होंने आपके बारे में मुझे नहीं बताया। कुछ बताइए आप। वो नहीं बताया मतलब भूल गए होंगे। मेरा नाम है मदनलाल, आइए। ये कह उन्होंने मेरी तरफ एक चाबी बढ़ाई। मैं बोला, नहीं मेरे पास चाबी है। मदन जी बोले, ये छत की चाबी है। आप तो इस फ्लैट को देखने आए हैं तो छत भी देख लीजिए, वहां से पूरा शहर बहुत बढ़िया दिखता है। अच्छा ठीक है। हाँ वो तो देखूंगा ही। आप अपने साथ मोमबत्ती या टॉर्च तो लेकर जरूर आए होंगे? नहीं। पर क्यों? बात यह है, बहुत दिन हुआ लाइट कट है कमरे में, इसीलिए शाम से पहले मोमबत्ती या लाइट ले लेते तो अच्छा ही होता। अगर आप नहीं ला सकते तो मेरे केयर टेकर को बोल दीजिए, वह ला देगा। वाह भाई वाह, ये समस्या भी है। यहां पर छोड़ो, क्या किया जाए, मैं ही जाकर मोमबत्ती खरीद लाऊंगा। वैसे भी केयर टेकर को मेहनत कराकर क्या लाभ, इसके अलावा घूमना भी हो जाएगा आसपास। मदन जी बोले, हाँ एक और बात बताना था, आप तो इस घर को देखने आए हैं तो कृपया करके कोई नेगेटिव रिव्यू मत दीजिएगा, क्योंकि कई दिनों से यह फ्लैट खाली है, बेच भी नहीं पा रहा हूं किसी को, इसीलिए इसे थोड़ा दिमाग में रखिएगा। हाँ हाँ ठीक है, तो मैं चलता हूं, अगर आपको जरूरत हो तो मुझे बुला लीजिएगा, मैं नीचे ही रहता हूं। मदन जी के जाते ही चाबी से ताले को खोला, दरवाजे को धक्का देते ही दरवाजा की 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 आवाज करते हुए खुल गया। अंदर जाते ही ऐसा लगा यह कोई आम कमरा नहीं है। दरवाजा खोलते ही एक झोंका हवा मोक्ष पाने के लिए बाहर निकल गया, मानो उस हवा को भी इस कमरे में रहते हुए घुटन हो रहा। दिन में भी इतना गहरा अंधेरे से घिरा रह सकता है कोई कमरा, इसे न देखने पर मैं कभी नहीं जानता। सीढ़ी से ऊपर आते समय मुझे जो अनुभूति हो रहा था फिर पुनः वह शुरू हो गया। कोई तो है जो इस अंधेरे से मुझे देख रहा है। मैं इन सब घटनाओं को ज्यादा नहीं मानता और अभी भी न मानते हुए अपने बैग को कमरे की फर्श पर रखकर बाहर निकल आया। कमरे को बंद कर नीचे आया और निकल गया रास्ते पर मोमबत्ती खरीदने के लिए। यहां पर एक विशेष पुराना व प्रसिद्ध मंदिर है, वह मैं जानता था, इसीलिए उसे देखने के लिए भी एक प्लान बनाया था। दोपहर होने वाला था इसलिए एक होटल में जाकर दोपहर के खाने को समाप्त किया। खाना खत्म कर उस मंदिर को देखने चला गया। खाना घूमना सब कुछ खत्म कर घड़ी की तरफ नजर दौड़ाई तो देखा 4:30 बज रहे हैं। एक दुकान से 3 मोमबत्ती खरीदकर रॉयल फ्लैट पहुंचते पहुंचते लगभग शाम हो गया। ठंडी में शाम कुछ जल्दी ही हो जाता है। मैं धीरे धीरे सीढ़ी से ऊपर चढ़ने लगा। इस बार स्पष्ट अनुभव कर सकता हूं कि मैं अकेला सीढ़ी से नहीं चढ़ रहा। मेरे पीछे एकदम ठीक पीछे कोई मुझे अनुसरण कर सीढ़ी पर चढ़ रहा है। मैंने सोचा कि एक बार देख लेता हूं, लेकिन किसी अलौकिक कारण से मैं पीछे मुड़कर देख नहीं पा रहा था। इन 2 साल के कैरियर में मैंने ऐसी घटना को बहुत सुना था, लेकिन उसे महसूस करने का सौभाग्य या कहे दुर्भाग्य अभी तक नहीं हुआ। सीढ़ी खत्म होते ही मैं पहुंच गया। उस बड़े से झूलते बालकनी में गहरे अंधेरे से भरा वह जगह एकदम अदृश्य सा हो गया है। मुझे न जाने क्यों ऐसा लगा उस अंधेरे के एक कोने में कोई मूरत बनकर खड़ा है। मुझे जितना याद है सुबह से यहां आने के बाद ऐसी शक्ल नहीं देखा, तो क्या मदन जी मेरे इंतजार में खड़े हैं? मैं धीरे धीरे उस तरफ बढ़ा। मैं जितना पास पहुंच रहा हूं वह जगह और भी धुंधला होता जा रहा है। वहां पर पहुंच देखा कि कोई नहीं है तो मुझे खुद पर ही गुस्सा आया, क्योंकि इतने अंधेरे को जानते हुए भी मैंने मोमबत्ती को क्यों नहीं जलाया। पॉकेट से एक मोमबत्ती को निकालकर जलाया और उस जगह के लास्ट में खड़े होकर सोचने लगा कि ऐसे शोर शराबे वाले शहर के बीच एक ऐसी रात जहां पर गहरा अंधेरा और कुछ भयावह अनुभूति ही साथी है। महेश जी के पास से जितना कुछ सुना है इस फ्लैट के में वो बहुत ही आश्चर्य व रहस्यमय है। 4-5 महीने पहले जयप्रकाश ने अपने पत्नी और छोटे लड़के के साथ इस फ्लैट के सबसे ऊपरी हिस्से यानी 5वें तल्ले को बुक कराया था। जयप्रकाश पेशे से दाल चावल के व्यापारी थे। मैंने सुना उनकी पत्नी बहुत ही सुंदरी थी, वह एक लड़के की मां है, यह सुनकर किसी को विश्वास नहीं होता था। रूप और मन दोनों ही तरह से वह खूबसूरत थी, लेकिन उनके रूप और गुण के कारण जयप्रकाश के जीवन में झंझट का अंत नहीं था। पहले जहां रहते थे
वहां किसी एक घटना के कारण घर को छोड़कर इस फ्लैट में चले आए थे। एक गुंडे की नजर माला देवी यानी जयप्रकाश के पत्नी पर पड़ा। इस बारे में जयप्रकाश ने जानते ही विरोध किया, लेकिन उनके साथ जीत नहीं पाएंगे यह सोचकर वह ज्यादा कुछ कर नहीं सके। घर को छोड़कर चले आए इस 5 तल्ले के रूम पर यहां पर 4 महीने अच्छे से ही कट रहे थे, लेकिन इस महीने के अंत में जयप्रकाश के व्यवसाय में घाटा हो रहा था, जिसके कारण अक्सर उनका अपने पत्नी के साथ झगड़ा सुना जाता। पर उस रात ऐसा कुछ यहां हुआ था जिसके कारण आज यह फ्लैट अंधेरे में खो गया है। महेश जी ने मुझे यह घटना मर्डर जरूर बताया है, क्योंकि मां और लड़के की बॉडी कमरे के फर्श पर मृत मिला था। मरने के 4-5 दिन बाद फ्लैट मालिक के संदेह होने पर पुलिस बुलाने के बाद इस घटना का पता चला था। दुर्गंध से कमरे में जाना तो दूर, बल्कि दोनों बॉडी को अंत में फावड़े से उठाना पड़ा था। लेकिन जयप्रकाश की बॉडी बहु खोजबीन के बाद उसी फ्लैट के छत पर पानी की टंकी के अंदर मिला। इसीलिए पुलिस और महेश जी ने अंदाजा लगाया कि जयप्रकाश ने डिप्रेशन में आकर अपने पत्नी व लड़के को मारकर स्वयं उस पानी की टंकी में आत्महत्या किया है। लेकिन सत्य क्या यही है, और यह पता लगाने मुझे यहां भेजा गया है। यही सोचते सोचते एक मोमबत्ती की आयु खत्म हुई पॉकेट से, और एक मोमबत्ती निकालने जा रहा था कि ठीक उसी समय ऐसा लगा कोई एक परछाई मेरे सामने से चलते हुए गया। अचानक पूरा शरीर कांप सा गया, धड़कन डर के कारण जोर से चलने लगा। जल्दी से मोमबत्ती को जलाया, मोम की रोशनी में देखा दूर दूर तक कोई नहीं है। धीरे धीरे उस रूम की ओर कदम बढ़ाया, वहां जाते ही दीवार पर वही सब कटे दाग व खून की छींटे नजर आने लगी। फिर से पूरे शरीर में हलचल हो रहा है, ठंडी मानो अचानक कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है और मानो पूरा शरीर भारी हो गया है। सुबह ये सब खून के धब्बे सूखे व पुराने लग रहे थे, लेकिन अब वह सब सचमुच ताजे खून ही लग रहे हैं। मैंने एक बार सोचा कि बैग को लेकर घर चला जाऊं, तबीयत सही नहीं लग रहा, लेकिन कुछ एक अद्भुत मायावी कारण से मैं जा ही नहीं पाया। कमरे के कुंडी को खोलकर अंदर जाते ही एक मरेव सड़े की दुर्गंध नाक में आने लगी। मृत शरीर बहुत दिन तक सड़ने पर जैसा दुर्गंध निकलता है, ठीक उस तरह दुर्गंध से पूरा कमरा भर गया था। जहां हमारे फोरेंसिक लैब में मरे सड़े शरीर को लेकर परीक्षण किया जाता है, ठीक उसी तरह का दुर्गंध। सोचा, हो सकता है पुराना कमरा है, इसीलिए कोई चूहा मर गया है जिसके कारण दुर्गंध आ रहा है। मेरे हाथ में मोमबत्ती भी लगभग बुझने ही वाला है। जिस इन्वेस्टिगेशन के काम से आया हूं उसे मैंने शुरू किया। एक टेबल देखा जिसके ऊपर एक डायरी रखा हुआ है, उसको मैं हाथ में लेकर पन्ने को पलटने ही वाला था कि ठीक उसी समय ऐसा लगा मानो मोमबत्ती को फूंक कर किसी ने बुझा दिया। मेरे पास रखा अंतिम मोमबत्ती जो पहले के दोनों से बड़ा है, अब उसको जलाया, फिर डायरी के पन्ने को पढ़ना शुरू किया। यह एक साधारण डायरी है जिसमें जयप्रकाश अपने प्रतिदिन के घटना को लिखकर रखते थे। मैंने जल्दी से पन्ने को पलटते हुए अंतिम के पृष्ठ पर गया, पर वहां के 2 पन्ने को फाड़ा गया है। किसने इसे फाड़ा और क्यों? यह सब बात सोच रहा हूं कि अचानक मेरे कंधे के पास किसी ने सांस छोड़ा। उस सांस की हवा को मैंने स्पष्ट महसूस किया। किसी को मेरे इस कमरे में आना व चीजों को देखना पसंद नहीं आ रहा। मैंने डायरी को टेबल पर रख पास के सोफे पर बैठकर सोचने लगा कि जयप्रकाश ने अपने डायरी के अंतिम 2 पन्ने से पहले लिखा है कि व्यवसाय की अवस्था बहुत ही खराब, मदन जी के किराए को नहीं दे पा रहा। मदन जी ने प्रस्ताव दिया है कि पत्नी उन्हें सौंप देने पर वो पूरे जीवन का किराया माफ। ठीक उसके बाद के पन्ने को फाड़ा गया है, तो क्या मदन जी ही? यही सब सोचते सोचते अचानक ऐसा लगा कोई मेरे सोफे के पीछे खड़ा होकर गुस्से से मुझे घूर रहा। मैंने अनुभव किया कि साथ ही एक छोटा लड़का भी है, लेकिन पीछे मुड़कर देखने का साहस नहीं हो रहा। अब मुझे बहुत जोर के डर ने जकड़ लिया। सोफा से धीरे धीरे करके पीछे देखते ही मैंने देखा जहां मैं बैठा हूं उसके ठीक पीछे एक बड़ा सा ऑनायल पेंटिंग है। जयप्रकाश, माला देवी व उनके लड़के का एक फैमिली फोटो है जिसको किसी चित्रकार के द्वारा बनाया गया है। ठीक से मोमबत्ती की रोशनी में देखने लगा उस चित्रकार का काम। देखते देखते ऐसा लगा मानो चित्र जीवित हो गया है।
उनके आंख भी जीवित मनुष्य की तरह चमक रहे हैं। अचानक दरवाजा खटखटाने की आवाज आई, लेकिन मैंने दरवाजे की तरफ देखा तो दरवाजे को खोलकर ही रखा है। फिर आवाज कहां से आई? इस ठंडी के सुनसान रात में मैंने कहीं कुछ गलत तो नहीं सुना? आसपास कोई नहीं है चौथा, और तीसरा तल्ला भी खाली है, क्योंकि सुना है ये बिल्डिंग नए तरीके से बन रहा है। यही सोचते सोचते पॉकेट में हाथ डालने पर महेश जी का कार्ड और पिस्तौल पाया। फिर सोचा कि पूरे घटना को उन्हें फोन करके बताऊं, लेकिन पॉकेट में फोन खोजते ही याद आया, सुबह आशीष के मैसेज को देखकर फोन वहीं बिस्तर पर छोड़ आया हूं। आज ही यह सब होना था। इतने दिन के ड्यूटी में कभी भी फोन को अपने पास रखना मैंने नहीं भूला। यही सोच ही रहा था कि सोफे के पास बिस्तर से एक आवाज आई। घूमकर देखते ही मेरा पूरा शरीर डर से कांप गया। मोमबत्ती के पीले रोशनी में मैंने देखा कि बिस्तर पर हल्का लाल रंग की साड़ी को पहनकर एक महिला सिर झुकाए बैठी है और उसके पास एक 9-10 साल का लड़का सोया हुआ है। मैंने पहले सोचा कि कुछ गलत तो नहीं देख रहा, लेकिन नहीं, वह महिला अभी भी बिस्तर पर बैठकर लड़के को सुला रही है। उसके पैर की पायल मोमबत्ती की रोशनी में चमक रहे हैं। यह देख मैं एक ही प्रार्थना कर रहा था कि वह बस मेरे तरफ न देख। मैं आराम से उठा और धीरे धीरे अपने कदम खुले दरवाजे की तरफ बढ़ाने लगा। तुरंत ही वह सड़ा दुर्गंध और तेजी से उस कमरे में बढ़ने लगा। दरवाजे के पास पहुंचने वाला था कि उसी वक्त मैंने देखा वह बालों से ढकी चेहरा धीरे धीरे मेरे तरफ ही घूम रही है। कमरे से दरवाजे पर पहुंच मैं उसे बंद करने की ताकत भी मानो खो बैठा। कमरे से निकल मैं अपने थके शरीर को लेकर उस खुले जगह की ओर जाने लगा, और तभी वही दरवाजा खटखटाने की आवाज फिर सुनाई देने लगी। अंधेरे में बहुत परेशानी से देखा कि उस जगह के पास से एक अंधेरे से भरा रहस्यमय सीढ़ी ऊपर की तरफ चला गया है। यही शायद छत की सीढ़ी है, और दरवाजा खटखटाने की आवाज भी वहीं से आ रहा है। डर से गला सूख गया है एवं गले से एक भी बात नहीं निकल रहा। धीरे धीरे सीढ़ी से ऊपर चढ़ते ही मुझे फिर वही दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई दिया। पॉकेट में हाथ डालते ही मदन जी का दिया हुआ चाबी मिला। डरते हुए उससे दरवाजा खोलते ही वह खटखटाने की आवाज अचानक बंद हो गया। दरवाजा खोलकर देखा, छोटा सा एक छत, मोमबत्ती लाना भूल गया, पर चांद की रोशनी में वहां सब कुछ दिख रहा था। तभी मेरी नजर पड़ी उस पानी की टंकी पर जहां जयप्रकाश का मृत शरीर मिला था। तभी मैंने देखा छत के रेलिंग पर एक आदमी किसी के प्रतीक्षा में खड़ा है। कुछ देर बाद ही छत के दूसरे तरफ से एक और आदमी आया। उस देखकर एक पृष्ठपुष्ट व लंबा चौड़ा आदमी लगा। उन दोनों ने आपस में बात करना शुरू किया, लेकिन कुछ देर बाद ही उनके बात झगड़े और मारपीट में बदल गए, पर उनकी किसी भी बात को मैं सुन नहीं पा रहा था। मैं अपने जगह से हिलने की क्षमता भी मानो खो चुका हूं। मेरे सामने ही उस लंबे आदमी ने पहले से खड़े उस आदमी को एक लोहे जैसे दिखने वाले रॉड से मारा, और तुरंत ही दूसरा आदमी नीचे गिर पड़ा। मैं अपने पिस्तौल को निकलूंगा, वह ताकत भी नहीं है। इसके बाद उस आदमी के शरीर को वह लंबा चौड़ा आदमी टंकी की तरफ खींचते हुए ले गया। तभी मैंने सुना कि छत की सीढ़ी से एक पायल की आवाज धीरे धीरे इधर ही बढ़ रही है। मुझसे और ज्यादा देर खड़ा नहीं जा रहा। तभी पानी छपकने की आवाज आई। देखा, उस लंबे आदमी ने उस टंकी के पानी में बेहोश आदमी को फेंक ढक्कन बंद कर दिया है। इधर पायल की आवाज मेरे एकदम पीछे आकर रुक गई। मेरे बेहोश होते शरीर ने पीछे मुड़कर चांद की रोशनी में जो देखा, वह मैं अपने पूरे जीवन में नहीं भूल पाऊंगा। एक महिला की चेहरा, वही बिस्तर पर बैठी हुई महिला। उस वक्त कमरे में चेहरे को ठीक से नहीं देख पाया था, पर अब स्पष्ट है। यह महिला उस रूम के ऑयल पेंटिंग में जयप्रकाश की पत्नी यानी माला देवी जैसी ही दिख रही थी। ठीक उसी तरह देखने में, लेकिन पूरे चेहरे पर ब्लेड ऑफ धारदार अस्त्र से कटने की दाग है। पूरे चेहरे से बहते खून से साड़ी और लाल हो गई है। उसके दोनों आंख बहुत हिंसक, पर मानो क्रोध और करुण मृत्यु में बदल गए हैं। उसके पूरे चेहरे पर एक दर्द, भयावह दुख छलक रही है। वही मरा सड़ा दुर्गंध मेरे सामने, और बढ़ते ही मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब होश आया तो देखा मैं उसी रूम के दरवाजे के पास लेटा। मेरे पास ही मेरा बैग रखा हुआ है। दरवाजे को देखा तो वह कल सुबह की तरह कुंडी लगाकर बंद।
बाहर सुबह का प्रकाश चारों तरफ बिखरा हुआ है। मैं बैग को लेकर नीचे दौड़ते हुए सीढ़ी से उतरने लगा। नीचे आकर मदन जी के रूम के पास जाते ही देखा वह एक गद्दे पर बैठे हुए है। उन्होंने कहा, अरे आइए विजय जी, आइए बैठिए। मैं उत्तर देने वाला ही था कि मैंने देखा एक लंबा चौड़ा आदमी मदन जी के पास वाले कुर्सी पर बैठा है। वह देखने में ठीक कल रात के उस आदमी जैसा लग रहा था। अब वह आदमी बोला, अबे इधर क्या काम है तेरे को? मदन जी बोले, क्या हुआ विजय जी, कल रात आपको कोई असुविधा तो नहीं हुआ? मैं उत्तर ना देते हुए चाबी सीधा उनके हाथ में दिया, मानो बात करने की ताकत में खो चुका हूं। उन्होंने कहा, चाबी क्यों दे रहे हैं, आप रुकेंगे नहीं? और रिव्यू क्या है, उनके बात को सुनते सुनते किसी एक शक्ति से मंत्रमुग्ध होकर मेरा हाथ पिस्तौल वाले पॉकेट में गया और मैंने पिस्तौल निकाला। अबे ओए बंदूक क्यों निकाला? फिर मुझे कोई भी बात, कोई बाधा, कुछ भी समझ नहीं आया। एक आश्चर्य रूपी गुस्से में मैंने उस आदमी और मदन जी के सिर को गोलियों से छित्र बितर कर दिया। गोली खत्म होते ही पिस्तौल को फेंक दिया। इस हालत में मैं अपने घर तक खुद से पहुंच पाऊंगा या नहीं, लेकिन मैंने खुद ही एक हाथ से मदन जी और दूसरे हाथ से उस आदमी के बालों को पकड़कर मदन जी के घर वाले गोदाम में खींचते हुए ले गया। मानो एक अद्भुत शक्ति के वश में मैं यह सब करने लगा था। वहीं पर मेरा अपराध नहीं थम। उस गोदाम में एक बेंच के नीचे एक धारदार कटार को देखा और उसे लेकर कई बार दोनों के चेहरे और पेट पर चलाने लगा। खून के छींटों से मेरा चेहरा लाल हो गया। रूमाल से चेहरा पोंछकर अंत में कटार वही फेंक, मदन जी के घर से निकल, दरवाजे पर कुंडी लगाकर रास्ते से घर को रवाना हुआ। घर लौटकर डाइनिंग टेबल पर बैठा ही था तभी फोन बज उठा। उठकर फोन को रिसीव करते ही आशीष की आवाज, क्या हुआ, क्या बात है, कहीं पता ही नहीं है, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, फोन को फेंक देना, यहां फोन करते करते थक गया। हेलो हेलो, मैं उसे बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कल रात मेरे साथ क्या क्या हुआ, पर कुछ भी नहीं बता पा रहा। उस वक्त समझा कि मदन जी के घर से निकलते वक्त जो सोचा था वह सच है, मैंने सच में बात करने की ताकत को खो दिया है। फोन को काटकर आशीष को मैसेज कर दिया कि आज शाम को वह मेरे रूम पर आए, इस समय मैं इस चिट्ठी को लिख रहा हूं, उसे आशीष से ही पोस्ट करवा दूंगा, सोचा है। चिट्ठी को पढ़कर आप समाप्त करें, उससे पहले ही शायद किसी एक अनंत अंधकार में खो जाऊंगा, वह सभी मानो मुझे अपने पास खींच ले जाएंगे। जितनी बार भी सोने के लिए आंख बंद कर रहा हूं उतनी बार उस महिला की भयानक बीभत्स चेहरा बार बार सामने आ रहा है, मानो ऐसा लग रहा है मेरे सामने ही वह खड़ी है। महेश जी को मैं एक ही बात बताना चाहता हूं, शायद किसी और भी शुक्रवार हमारा फिर मिलना नहीं होगा, पर आप कृपा करके किसी को भी उस रूम के इन्वेस्टिगेशन करने मत भेजिएगा। कुछ घटना जैसे रहस्य रहता है इसे भी वैसे ही रहने दीजिए, और दूसरे किसी का जीवन ऐसे खत्म हो जाए यह मैं नहीं चाहता। हाँ, और एक बात, सही समय मदनलाल और उसके साथी के डेड बॉडी को निकालना मत भूलिएगा, क्योंकि कहीं उनके शरीर को भी फावड़े से न उठाना पड़ जाए। विजय के घर से निकलकर देवेंद्र जी रास्ते पर ही बैठ गए। उसके बाद पॉकेट से मोबाइल को निकाल कुछ नंबर डायल किया। कॉल रिसीव होते ही उधर से उत्तर सुने बिना ही देवेंद्र जी बोले, हेलो महेश जी बोल रहे? हाँ, आप कौन? मैं हूं देवेंद्र सिंह। जी कौन? देवेंद्र। देवेंद्र सिंह, ऑफिसर ऑफ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, डिपार्टमेंट ऑफ मर्डर मिस्ट्री बैच नंबर फेडीसी की 48। अब पहचाने? उधर से अब उत्तर आया, ओह हाँ हाँ पहचान गया। बोलिए देवेंद्र जी, विजय द्वारा भेजे गए चिट्ठी को मैंने पढ़ा। चिट्ठी को पूरा पढ़कर समाप्त करते ही जल्दी से उसके घर गया, पर वहां पहुंचकर देखा चिट्ठी में जैसा लिखा है ठीक वही हुआ है। क्या हुआ बताइए, और चिट्ठी में विजय ने क्या लिखा है? देवेंद्र जी का स्वर अब कुछ कठिन सुनाई दिया। क्या लिखा है आपको नहीं पता? रॉयल फ्लैट के इन्वेस्टिगेशन के लिए आपने ही तो भेजा था। विजय अब जिंदा नहीं है। मैं उसके घर के सामने खड़े होकर ही बात कर रहा, भयानक आवाज से चिल्ला उठे, महेश जी विजय मर गया है, पर कैसे? देखकर तो ऐसा लगता है हार्ट अटैक है। किसी बात की डर से खुद पर नियंत्रण खो दिया था। विजय हमारे एजेंसी का वन ऑफ द बेस्ट ऑफिसर था। उसके साथ ऐसा होना बिल्कुल भी स्वाभाविक नहीं है।
रॉयल फ्लैट के केस को अब बंद कर देता हूं। आप क्या कहते बे? देवेंद्र जी बोले, देखिए, आपने अगर केस को बंद कर दिया तो वह किसी दूसरे एजेंसी के हाथों में चला जाएगा और उस एजेंसी के किसी ऑफिसर का हमारे विजय की तरह कुछ हो, यह मैं नहीं चाहता। तब क्या किया जाए? हमारे एजेंसी में क्या कोई ऐसा ऑफिसर है जो इस रहस्य को सुलझा सके? नहीं, हमारे एजेंसी का कोई भी ऐसे अलौकिक रहस्य को सुलझा नहीं पाएंगे। इस घटना का हल केवल एक ही आदमी निकाल सकता है। एक ही पर कौन? इंडियन पैरानॉर्मल डिटेक्टिव एजेंसी के स्पिरिचुअल डिपार्टमेंट के हेड ऑफिसर मिस्टर गौरव शुक्ला। यहां इंडियन पैरानॉर्मल एजेंसी में फोन बजते ही एक आदमी ने फोन उठाया। हेलो, इंडियन पैरानॉर्मल डिटेक्टिव एजेंसी? हाँ, वो यही है, पर इस समय फोन के पास नहीं है। आपको क्या प्रॉब्लम है बताइए, मैं उनका असिस्टेंट राघव बोल रहा हूं। नहीं, वह अभी कुछ व्यस्त है, आप कुछ देर बाद फोन कीजिए। इतना बोलकर उधर के जवाब को सुने बिना ही राघव ने रिसीवर रख दिया। 10 मिनट के बाद खुद के लाइब्रेरी से बाहर आए गौरव। राघव उस वक्त अपने टेबल पर रखे कुछ फाइलों में तांक झांक कर रहा। उसे देखकर गौरव बोला, क्या बात है राघव, इतने ध्यान से कौन सा फाइल खोज रहे हो? वह थोड़ा सा हंसकर कुछ जवाब देना चाहता था, पर उससे पहले ही फिर टेलीफोन बज उठा। राघव बोला, आ गया, जाओ, आदमी का नाम देवेंद्र सिंह है, उन्हें तुम्हारे साथ कुछ जरूरी बात करना है, कहा है कि तुम्हारे बिना दूसरे किसी को बताया नहीं जा सकता। गौरव ने जल्दी से आगे बढ़ फोन को उठाया। हाँ, गौरव बोल रहा हूं। देवेंद्र जी? हाँ, पहचान गया, बोलिए क्या बात है। देवेंद्र जी की बातें लगभग 5 मिनट में खत्म हुई। गौरव रिसीवर को रखकर पास ही कुर्सी पर बैठ गया और बोलता रहा, रॉयल फ्लैट में हत्या, और वो भी अलौकिक तरीके से, इंटरेस्टिंग। गौरव को चिंतामग्न देखकर बहुत उत्तेजित होने पर भी राघव को कुछ पूछने का साहस नहीं हुआ। कुछ देर बाद गौरव ने ही चिंता हटाया और बोला, राघव, घटना को तुम्हें भी जानना चाहिए, क्योंकि इसके पहले हमारे पास हत्या का कोई केस नहीं आया, इसीलिए कुछ सोच विचार कर रहा था। हत्या शब्द सुनकर आश्चर्य हुआ। राघव और बोला, हत्या? पर क्या उन्हें नहीं पता कि हम पैरानॉर्मल डिटेक्टिव एजेंसी में काम करते हैं? आई गौरव बोला, वह सब कुछ जानते हैं, इसीलिए इस हत्या केस को सुलझाने का भार हमको दिया है, क्योंकि उनके हिसाब से हत्या बहुत ही अलौकिक तरीके से हुआ है। अलौकिक तरीके से हत्या, ये बात राघव के दिमाग में नहीं गया, फिर भी वह कोई प्रश्न ना कर अपने फाइलों पर ध्यान दिया। गौरव फिर बोला, चल राघव, देवेंद्र जी ने हमें अभी बुलाया है, जिनकी हत्या हुई है उनके अंतिम वक्त के कुछ मूल्यवान तथ्य अभी तक देवेंद्र जी के पास है और उसे हमें देना चाहते हैं। स्ट्रीट पर एक घर के सामने राघव ने गाड़ी को रोका। इतनी देर के जर्नी के कारण गौरव की आंख लग गई। गाड़ी रुकते ही वह उठकर बोला, क्या हुआ, गाड़ी रोक दिया, आगे क्या? राघव बोला, गूगल मैप तो यही बता रहा है, तुमने जो एड्रेस बताया था अगर वो ठीक है तो देवेंद्र जी का घर यही है। गौरव ने ही पहले गाड़ी से उतरकर घर के कॉलिंग बेल को बजाया। कुछ देर बाद ही एक 45-50 साल के आदमी ने दरवाजा खोला। इसी बीच राघव भी गौरव के पीछे आकर खड़ा हुआ। मैं गौरव, आपने फोन किया था? गौरव के बात का अंत होने से पहले ही वो आदमी बोला, अरे हाँ, आइए, मैं ही देवेंद्र सिंह हूं, कुछ साल पहले देखा था इसीलिए पहचान नहीं पाया। देवेंद्र जी के बैठक रूम में ही गौरव ने सभी बातों को ध्यान से सुना, विजय के भेजे चिट्ठी को भी पढ़ा, फिर बोला, वैसे इस चिट्ठी में विजय ने जिस महेश जी का उल्लेख किया है वह कौन है? देवेंद्र जी ने उत्तर दिया, वह विजय के सीनियर ऑफिसर है, यह केस पहले उनके पास ही गया था, लेकिन दिल्ली में डिपार्टमेंट मीटिंग के चलते उन्होंने विजय को यह केस हैंडओवर किया था। अच्छा, उनका एड्रेस मिलेगा? हाँ, मैं महेश जी के कार्ड को देता हूं। देवेंद्र जी उठकर पास वाले कमरे से एक कार्ड लाकर गौरव के हाथ में दिया और बोले, तुम चाहो तो आज ही उनके साथ मिल सकते हो, क्योंकि आज उनका ऑफ ड्यूटी है, अगर तुम कहो तो एक बार फोन कर उन्हें बता दो। हाँ, उन्हें बता दीजिए। ओके, मैं चलता हूं। विजय के भेजे चिट्ठी की कुछ कॉपी के फोटो कैप्चर कर देवेंद्र जी के घर से गौरव और राघव दोनों ही बाहर आए। महेश जी के घर जाना होगा, यह सुन राघव को कौतूहल होने लगा और वो बोला, गौरव भैया, अब महेश जी के घर क्यों, घटना क्या है? वह तो चिट्ठी से ही जाना जा रहा है, अब सीधे रॉयल फ्लैट चलते हैं।
इस प्रश्न का उत्तर दिए बिना गौरव ने उल्टा एक अद्भुत प्रश्न किया। अच्छा राघव, बताओ तो कमरे के बीच में अगर मोमबत्ती जलाया जाए तो सबसे ज्यादा अंधेरा कहां होगा? राघव आश्चर्य हुआ, अचानक ऐसा अजीब प्रश्न क्यों? उसने उत्तर दिया, यह तो सभी बता सकते हैं, कमरे के सभी कोने में ज्यादा अंधेरा होगा। गौरव बोला, नहीं, सबसे ज्यादा अंधेरा रहेगा मोमबत्ती के नीचे, मतलब उसके जड़ में। अपने में ही राघव हंस पड़ा, वाह अच्छा कहा, पर इस प्रश्न को पूछने का कोई कारण? कारण यही है कि विजय के मृत्यु के जड़ पर है। महेश जी तो इसीलिए समझ लो उनके साथ बात करना कितना जरूरी है, और जहां तक मैं जानता हूं जल्द ही दिल्ली में इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट का कोई मीटिंग नहीं था। इसका मतलब तुम बोलना चाहते हो, महेश जी ने झूठ बोला, वह तो उनके घर पहुंचने पर ही पता चलेगा, चल जल्दी गाड़ी चला। महेश जी एक 3 तल्ले के घर में किराए पर रहते हैं, सेकंड रैंक के हाई लेवल ऑफिसर होने पर भी शायद कंजूसी के कारण घर का ये हाल है। इस घर के डाइनिंग रूम में बैठकर गौरव और महेश जी की बातचीत हो रही थी। स्नैक ऑफर करने पर गौरव ने बताया है कि ऑन ड्यूटी वह बाहर का खाना नहीं खाता। महेश जी बोले, तो बोलिए गौरव जी, आप क्या जानना चाहते हैं? गौरव ने मुस्कुराते चेहरे से उत्तर दिया, महेश जी, रॉयल फ्लैट का केस तो सबसे पहले आपके पास आया था, तो आपने विजय को क्यों हैंडओवर किया? ये क्या देवेंद्र जी ने इस बारे में आपको कुछ नहीं बताया? देवेंद्र जी ने बताया, आपका दिल्ली में इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट का मीटिंग था, पर मैं सच को जानना चाहता हूं। मतलब क्या कहना चाहते हैं आप? कहना चाहता हूं कि इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की मीटिंग लॉस्ट बार हुआ था आज से 1.5 महीने पहले, और सौभाग्य से उस मीटिंग में मैं भी हाजिर था। उसके बाद तो और कोई मीटिंग नहीं हुआ, फिर आप उस सप्ताह दिल्ली में क्या कर रहे थे? अचानक ये सुनते ही महेश जी का चेहरा उतर सा गया। गौरव बोला, चुप मत रहिए महेश जी, आपकी वजह से एक जूनियर ऑफिसर की मौत हुई है, अगर कहे तो आपने ही उसकी हत्या की है। हत्या? नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, विश्वास करो मैं जानता ही नहीं था विजय के साथ ऐसा होगा। तो फिर आपने जानबूझकर विजय को रॉयल फ्लैट में क्यों भेजा था? सच बात बताइए महेश जी। महेश जी सिर नीचे करके बोले, दरअसल बात यह है कि मैं बहुत डर गया था। केस मिलने के बाद पहले दिन ही मैं वहां गया था। दोपहर के समय उस रोड पर ज्यादा लोग नहीं रहते, फ्लैट के सामने खड़े होकर चारों तरफ देख रहा था। अचानक कहीं से एक बूढ़ा आदमी आया और मेरे हाथ को पकड़ जोर जोर से चिल्लाता रहा। इससे मैं घबरा गया क्योंकि कुछ देर पहले ही देखा था, पर रास्ता पूरा सुनसान था। उस बूढ़े ने बार बार मुझे रोका जिससे मैं उस रॉयल फ्लैट में प्रवेश न कर पाऊं। गौरव ने बीच में टोका, क्राइम ब्रांच के सीनियर ऑफिसर होकर भी सामान्य एक बूढ़े की बात पर? महेश जी फिर बोले, नहीं नहीं, आप मेरे साथ हुए पूरे घटना को पहले सुनिए। मेरे करियर के शुरुआत में ठीक ऐसी ही घटना घटी थी। एक अलौकिक हत्या को जांचने गए मेरे सीनियर ऑफिसर का रहस्यमय तरीके से मौत हुआ था। पोस्टमार्टम में बताया गया कि उनका सांस रोककर हत्या किया गया, लेकिन मैं उस पर विश्वास नहीं करता क्योंकि जिस हत्या की जांच उन्होंने किया था उस मृत व्यक्ति के गले पर एक काला धागा बंधा था। ठीक उसी तरह का धागा उनके गले पर भी मिला। उस हत्या की सच्चाई आज तक पता नहीं चली। उसके बाद इन सब बातों पर मेरा अंधविश्वास और दृढ़ हो गया है। अपने गले से 4-5 रुद्राक्ष के माले को दिखाकर महेश जी बोले, ये देखिए, डर भगाने के लिए कितना कुछ पहन रखा है पर कोई लाभ नहीं हुआ। आप समझ ही रही है, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी पत्नी बच्चों का क्या होगा? ठीक समझ गया महेश जी, आपने खुद को बचाने के लिए विजय, ठीक है समझ गया महेश जी, आपने खुद को बचाने के लिए विजय को रॉयल फ्लैट में भेजा था, इसमें आपका दोष होने पर भी यह अब भी कुछ नहीं है। कुर्सी छोड़ उठ खड़ा हुआ गौरव, आज चलता हूं, आपका कार्ड मेरे पास है, जल्द ही हमारा फिर आमना सामना होगा। बाहर आकर राघव ने गाड़ी स्टार्ट किया और पूछा, तो अब कहां जाना है गौरव भैया? बैक सीट पर आराम से बैठकर गौरव ने उत्तर दिया, अभी तो ऑफिस चलो, और सुनो, रॉयल फ्लैट का जितना भी डिटेल है, जैसे आज तक उस फ्लैट के मालिक कौन कौन थे, वे इस वक्त रॉयल फ्लैट के मालिक कौन है, ये सभी रिपोर्ट आज शाम तक मेरे पास आ जाना चाहिए। सिर को हिला राघव ने सहमति जताई। थर्ड ग्रेड ऑफिसर होने पर भी राघव के काम करने की क्षमता कम नहीं है,
तथा लेवल या ग्रेड कभी भी ऑफिसर के बुद्धिमत्ता को नहीं बताता। शाम होते ही रॉयल फ्लैट के तथ्यों के साथ ऑफिस में आया राघव। तीन बड़े फाइल को गौरव के सामने रखकर वह बोला, गौरव भैया लगभग सब कुछ मिल गया है, तुम एक बार देख लो। ये तो बहुत सारे फाइल हैं, अभी तो पढ़ने का समय नहीं है, पर तुमने अवश्य पढ़ा है? हाँ पूरा पढ़ा है। तब बोलो, तुमसे ही रॉयल फ्लैट के इतिहास को सुनता हूं। इतिहास अगर बोलूं तो इस फ्लैट के तथ्य को जुगाड़ करते हुए बार बार यह लग रहा था कि किसी ने इसके बारे में तथ्यों को छुपाने की कोशिश की है। फ्लैट लगभग 17-18 साल पुराना है। इसका मालिकाना किसी एक आदमी के पास नहीं था, लेकिन मालिकों के डिटेल्स कहीं पर भी नहीं है। इसीलिए उस इलाके में कुछ सालों से जिन्होंने फ्लैट की दलाली की है, मतलब कुछ प्रोमोटर के डिटेल को मैंने जुगाड़ किया है। अच्छा किया। शहर में एक ऐसे फ्लैट के तथ्यों को जुगाड़ करना आसान नहीं है। जो भी हो, तुमने जिन प्रमोटर के नाम का जुगाड़ किया था वह कौन है? दो प्रोमोटर के नाम इससे ज्यादा जुड़ा है, एक है रमाकांत और दूसरा चंद्रभान तिवारी। दोनों की डिटेल्स फाइल में है। गौरव ने फाइल को हाथ में लिया, फिर पन्नों को पलट ध्यान से सभी तथ्यों को देखता रहा। राघव चल, रमाकांत का घर ज्यादा दूर नहीं है, पहले उनके ही घर चलते हैं। आधे घंटे बाद ही रमाकांत के घर सामने गाड़ी को राघव ने रोका। घड़ी में उस समय शाम के 6 बजे हैं। शाम का बाजार धीरे धीरे बढ़ रहा है, रास्ते पर लोगों की भीड़ भी बढ़ने लगा। गौरव गाड़ी से उतरकर घर की तरफ बढ़ा। घर के सामने पार्किंग जोन न रहने के कारण राघव ने गाड़ी को स्टार्ट करके आगे बढ़ा दिया। घर के कॉलिंग बेल को बजाने की जरूरत नहीं हुई, क्योंकि सामने के गेट को खोलते ही दरवाजे से किसी ने झांका। गौरव बोल पड़ा, रमाकांत जी है? जो आदमी झांक रहा था वह गौरव के बात को सुन घर से निकल आया और बोला, हां मैं ही रमाकांत हूं, क्या काम है बताइए। इसी वक्त गेट से राघव भी अंदर आया। गौरव ने उत्तर दिया, हम डिटेक्टिव एजेंसी से आए हैं, सिटी लाइब्रेरी के पास वाला रॉयल फ्लैट क्या आपके अंडर में ही कंस्ट्रक्शन किया गया था? रमाकांत का चेहरा ऐसे परिवर्तित हुए मानो उन्होंने रॉयल फ्लैट का नाम पहली बार सुना है और बोले, रॉयल फ्लैट? नहीं तो इस नाम के किसी फ्लैट के कंस्ट्रक्शन का काम मैंने नहीं किया है, और वैसे भी मैं 9-10 सालों से इस कंस्ट्रक्शन के काम को कर रहा हूं। 10-15 साल पहले के किसी फ्लैट का डील मेरे पास कैसे हो सकता? इस बात को सुनकर गौरव के चेहरे पर एक टेढ़ी हंसी आ गई। चल राघव, यहां पर हमारा और कोई काम नहीं है। घर के सामने से ही दोनों लौटने लगे। पार्किंग जोन न रहने के कारण रमाकांत के घर से कुछ दूरी पर गाड़ी को खड़ा करना पड़ा था। रास्ते से चलते चलते राघव बोला, ऐसा आदमी मैंने पहले नहीं देखा, इतनी देर हम खड़े रहे फिर भी एक बार घर के अंदर आने को नहीं कहा। अरे राघव, डिटेक्टिव एजेंसी के नाम को सुनकर ही वो डर गए। चलो छोड़ो, मतलब अब चंद्रभान के पास जाने पर ही रॉयल फ्लैट के बारे में जाना जा सकता है। गौरव के चेहरे पर फिर वह टेढ़ी हंसी आ गई। राघव बोला, क्या हुआ गौरव भैया, हंस क्यों रहे हो? हंस इसलिए रहा हूं क्योंकि तुमने रमाकांत के बातों को ठीक से ध्यान नहीं दिया। मतलब चंद्रभान तिवारी शायद इस फ्लैट के बारे में ज्यादा नहीं जानता, तब हम उनके घर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि रमाकांत खुद से उस फ्लैट के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। क्यों गौरव भैया, रमाकांत के बातों को ध्यान से याद करो, उन्होंने स्वयं कहा 10-15 साल पुराने किसी फ्लैट का डील उनके पास नहीं है। लेकिन हमने तो उन्हें नहीं बताया कि रॉयल फ्लैट 11 साल पुराना है, इसीलिए रॉयल फ्लैट बारे में वो बहुत कुछ जानते हैं। तब तो अभी जाकर उनके खिलाफ कुछ एक्शन लेना चाहिए। नहीं अभी नहीं, उनके खिलाफ कुछ जोरदार सबूत हमारे पास नहीं है। देखते हैं इस बारे में चंद्रभान जी क्या कहते हैं। चंद्रभान तिवारी के घर को खोजने में राघव को कुछ परेशानी हुई, क्योंकि इस बार गूगल मैप ने ज्यादा साथ नहीं दिया। इसके अलावा रास्ते पर जाम की वजह से वह दोनों जब चंद्रभान के घर पहुंचे तब घड़ी में रात के 10 बज रहे हैं। चंद्रभान तिवारी शायद डिनर खत्म कर सो गए थे। घर के सामने गाड़ी की आवाज से उनकी नींद टूट गई। उसके बाद कॉलिंग बेल की आवाज को सुनकर जल्दी से बाहर निकलकर देखा, 25-30 साल के दो युवक बाहर प्रतीक्षा कर रहे हैं। है उन्होंने कहा, आप कौन हैं? इतनी रात को क्या काम है? गौरव ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, हमें माफ कीजिए, असल में एक हत्या की जांच के लिए आपकी नींद को डिस्टर्ब करना पड़ा।
हत्या की जांच, आप पुलिस हैं। राघव धीरे से हंसकर बोला, आपको लगता है कोई पुलिस मेहनत करके इतनी रात को आपके घर आकर हत्या के बारे में जांच करेगा? हम प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी से हैं। राघव चुप रहो, मैं बात कर रहा हूं। राघव चुप हो गया। गौरव बोलता रहा, आपका नाम ही चंद्रभान तिवारी है? हां, क्या जानना चाहते हैं बताइए। आप दोनों घर के अंदर आइए। नहीं, अभी घर के अंदर अभी नहीं जाऊंगा। आप बस इतना बताइए कि सिटी लाइब्रेरी के पास जो पुराना फ्लैट है उसके कंस्ट्रक्शन का काम क्या आपने ही किया था? चंद्रभान जी के माथे पर चिंता की रेखा दिखी। सिटी लाइब्रेरी के पास फ्लैट? अच्छा, क्या आप रॉयल फ्लैट के बारे में बात कर रहे हैं? हां हां, रॉयल फ्लैट, उत्तेजित होकर बोला गौरव। नहीं, उसके काम को मैंने नहीं किया, लेकिन डील पहले मेरे पास ही आई थी। लेकिन काम को शुरू करने से पहले ही एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने दुगुने दाम से मेरी डील को खरीद लिया था। इंडस्ट्रियलिस्ट? उनका कोई डिटेल है आपके पास? हां शायद है, आप कुछ देर रुकिए। चंद्रभान जी दरवाजे को खुला छोड़कर ही जल्दी से घर के अंदर गए। गौरव और राघव घर के बाहर ही प्रतीक्षा करते रहे। लगभग 5 मिनट बाद एक लाल रंग के फाइल को लेकर चंद्रभान जी को निकलने देखा गया। बाहर आकर बोले, उनका नाम है दिग्विजय ठाकुर। यह रहा, उनका कार्ड पर कार्ड कुछ साल पुराना है। पता नहीं यह लैंडलाइन नंबर अभी है या नहीं। ठीक है, वही दीजिए, उसी से हो जाएगा। कार्ड को हाथ में लेकर चंद्रभान जी को धन्यवाद कहकर दोनों ने लौटने का रास्ता पकड़ा। तो दोस्तों, आज की कहानी बस यहीं तक थी, लेकिन कहानी अभी बाकी है। इस कहानी का आखिरी हिस्सा आपको मेरे दूसरे चैनल हॉरर स्टोरी बाय सागर पर कल रात 10 बजे सुनने को मिलेगा। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बातचीत यहीं खत्म नहीं होती। नीचे कमेंट में बताइएगा कि अब तक की कहानी आपको कैसी लगी। आपके विचार और प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।